मैं ये कह रहा हूँ क्या राहुल गांधी, नाम क्या आपका? मेरा नाम रोहित है, रोहित गुप्ता है, मैं पत्रकारिता फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं ये कह रहा हूँ क्या राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के अलावा हमारे पास और कोई नेता नहीं है देश में? हमें बताइए सर, ममता बनर्जी है, राहुल छोड़ने की जरूरत है ना, ये देखने की जरूरत है। ममता बनर्जी पे तो लगातार आरोप लग रहे हैं, अभी कल ही वोटिंग हुई है, खूब बात सुनेंगे, इतनी हिंसा हुई है वहाँ पर, अभी पंचायत चुनाव हुए तो उसमें कितनी हिंसा हुई है, तो ममता बनर्जी उस पर तो कुछ बोलती नहीं है। सर मैं केवल ममता बनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कन्हैया कुमार हैं, हम नए नेताओं की बात क्यों नहीं करें? आप जैसे आपने पूछा कि राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, आपने ये क्यों नहीं पूछा कि कन्हैया के बारे में क्या सोचते हैं? एक मिनट, इन्होंने कहा कि कन्हैया के बारे में क्यों नहीं पूछा? कन्हैया उनके पार्टी के कितने कितने सांसद लड़ रहे हैं, वो क्या केंद्र में सरकार बना पाएंगे? मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो केंद्र में सरकार बनाने की हैसियत करते दिखते हैं, है ना? कन्हैया कुमार की इंडिविजुअल बात हो सकती है, लेकिन सर हमें ऐसे नेताओं को चुनना होगा जो जाके आएंगे हमारे देश का प्रतिनिधित्व करें, कि हम केवल राहुल गांधी के भरोसे नहीं रह सकते ना। राहुल गांधी हमारा जब प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे और हमें मोदी के अलावा एक अल्टरनेट नेता की आवश्यकता हो रही है, तो हमें नए नेताओं को तो देख आराम से भाई। सर देखिए तुम लोग बदमाशी करने लगे ना, छात्रों को बेरोजगार बन गए नेता, इसको कन्हैया को देशद्रोही बोल रहे हैं, उसके बारे में इतना भी नहीं जानते कि 4 साल हो चुके हैं उसकी चार्ज शीट फाइल नहीं कर पाए हैं, उसको कोर्ट से बेल पे नहीं रोक पाए हैं, बेल रोकने से वो गिरिराज की क्या धज्जियां उड़ा रहा है वहां जाके, कि उन्हें नानी याद आ रही है वहां जाके, आप उसके बारे में बोल रहे हैं जो भारत के शिक्षा मंत्री से भी ज्यादा पढ़ा लिखा है, शिक्षा मंत्री से भी ज्यादा पढ़ा लिखा है, और साध्वी प्रज्ञा के बारे में कह रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा अपने कैंडिडेट पे बीजेपी के लोग कभी उंगली नहीं उठाएंगे कि साध्वी प्रज्ञा जमानत पे है या क्या कर रहे हैं। अरे 5 साल पहले हेमंत करकरे को तुम बोल रहे हो जिसने 3 गोलियां सीने पे खाई, उसको तुम कह रहे हो शराब से मर गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम लफाजी की बातों पे उतर के आ गए हो। सर जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तभी जाकर के फेवर करने नहीं जाते इंडियन आर्मी का, लेकिन गाली देने जाते हैं, रेपिस्ट कहते हैं सर इंडियन। सर ये कन्हैया कुमार का है सर, उसके बाद सर ये इनडायरेक्टली वो दिखाते हैं, वो जो वहाँ के हैं उनके जो दोस्त हैं जो नारे लगाते हैं उनका सपोर्ट करते हैं सर, बोलते हैं कि ये वो, और उसके बाद कुछ भी होता है सर। सर एक होता है सर देशद्रोह, सर एक होता है सर, सर आपकी दिक्कत अगर भाजपा से है तो आप भाजपा वालों को गाली दीजिए, लेकिन आप देश को गाली नहीं दे सकते हैं सर। सर देश को दिया गया है सर इनडायरेक्टली, कन्हैया कुमार, सीधा नाम बोल रहा हूँ सर। तो 5 साल सुनिए, बात सुनिए मेरे भाई, 5 साल से सरकार किसकी है? बीजेपी की है, जो बाहर इसके पीछे भी तो सुनिए सर, क्योंकि यहीं पर लोग उसका सपोर्ट करने वाले हैं सर। आपको जैसा कि पता होगा सर, राहुल गांधी जिस दिन हुआ था ये हरकत, राहुल गांधी तुरंत वहां जेएनयू में पहुंचे थे सर। क्यों पहुंचे थे सर? उसको राजनीतिक मुद्दा भी बनाए, जब तक कि मामला, अगर आपकी दिक्कत बीजेपी से है तो बीजेपी को गाली दीजिए। आपकी सरकार जो है वो भेज, इनको जेल क्यों नहीं भेज पाई, बाहर क्यों घूम रहे? सर किया गया, चार्जशीट दाखिल हो गई, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन है सर, है, आप चुप रहिए, अभी होने दिए सर। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।